أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون सदा लवीम हिसाइ का तर्जमा ये है बशप जो लोग मुसलमान हैं और वो जो यहूदी हुए और नसारा और सब तो जो ईमान लाए अल्लाह के साथ और आख़रत के दिन के साथ और अच्छे आमल करे तो उनके लिए उनका बदला है उनके रब के यहाँ और ना कोई डर होगा उनके ऊपर और ना ही वो गमगीन होंगे तो ये आयत अवल का तत्मा है चूँकि पिछले यहूदियों के पिछली आयत में यहूदियों के करतूतों का ज़िक्र था कि वो इंतहाई मुजरम हो चुके थे हती कि अल्लाह के आयात का इनकार करना और अम्बिया कराम को शहीद करना ये उनका तरीका बन गया था तो अब हो सकता है उन आयत के सुनने वाले या ख़ुद कुरान के नजूल के वक़्त के जो यहूदी थे वो ये समझें कि हमारे ऊपर तो अब तो मस्कनत मुसलत हो गई तो शायद अब हमारे लिए कोई निजात की राह नहीं है अगर हम ईमान भी ले आएँ तो शायद हमारा ईमान कबूल ना हो तो अल्लाह आयत में ये फरमा दिया कि ऐसी बात नहीं है बल्कि बात यह है चाहे मुसलमान हूँ आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग मुराद हैं या वलिन हादू या पहले जो यहूदियत पर थे या यहूदियत की तरफ नस्बत करते थे दावा करते थे या जो नसारा हैं तो ये फ़िरके मशहूर थे यहूदी नसारा और एक सब सब फ़िरका ये भी बाज़ इसको अहले किताब में शुमार करते हैं तो ये भी एक फ़िरका था सब का जी लेकिन ये किस किस्म का था तो इनकी तशरीफ़ वो वाज है ही नहीं कि किस किस्म का क्या उनके मतदादा थे क्या नज़रियात थे वो इख्तलाफ़ है बहरल तो एक फ़िरका था तो जो भी ये हूँ चाहे मोमिन हूँ चाहे यहूदी हूँ या नसारा हूँ ठीक है चाहे सबी हूँ असल मदार वाली बात है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए और आख़रत के दिन पर और अच्छे अमल करें तो उन सब के लिए कबूलियत है उनको अल्लाह ताली क्या है उनका सवाब देंगे और आखरत के खौफ गम से उनको महफूज रखेंगे तो मतलब ये मदार बताया गया ये चाहे वो पहले यहूदी रहे हैं नसारा रहे हैं जो भी रहे हैं ठीक है या साबित है या ईमान वाले हैं ये असल मदार की चीज़ है अल्लाह और आखरत पर ईमान लाए और अमाल सालिया करे तो बस वो मकबूल है तो गोया यहूदी हो सकता है मायूस हूँ जी तो फरमाया मायूस होने की ज़रूरत नहीं है अब भी अगर अपने अकैदा और ईमान ठीक कर लें अल्लाह और आख़रत के दिन पर ईमान रखें और नकमल करें तो कोई वजह नहीं है कि तुम्हारी मकबूलियत ना हो तो यहाँ असल तो पहले फ़िरकों के बारे में बताना था जी कि यहूद नसारा साबिन उनके लिए ये है कि वो ईमान लें तो एहल ईमान तो पहले ईमान पर लाए तो उनका जिक्र क्यों फ़रमाया गया इनदीन आमनु तो उसका जवाब ये है कि ये बात ठीक है असल तो नहीं कोई बताना था कि अगर अब वो ईमान ले आएँ तो उनके लिए ये क्या चीज़ें होंगी लेकिन अपनों का जिक्र इसलिए किया कि ताकि आयत के अंदर बलागत या फसा फसाहत बलागत जो है वो बहुत है मकसद ये था कि मदार अपना या पराया होना नहीं है चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो असल मदार की चीज़ क्या है <ख्याँ> यानी वो ईमान और अमल साल है ईमान और अमल साल है तो हमारे मुसलमान चूँकि पहले से क़ायम हैं तो वो इस वजह से नहीं है कि उनकी कुछ झाती तौर पर हमें उनसे मोहब्बत है मकसद ये है कि उनके अंदर भी ये वसफ खास है कि वो अल्लाह पर और आख़रत के दिन पर ईमान रखते हैं इस वजह से उनके लिए अगली कामयाबी है उनको स्वाव मिलेगा वगैरह सारा ठीक है तो अगर दूसरे भी अगर इसी तर्ज पर आ जाएँ तो उनको भी क्या है कबूलियत मिल जाएगी और वो भी दूसरे मुसलमानों के साथ ही शुमार होंगे तो गोया यहूदियों तो की तरफ से जो एक शुभा हो सकता था कि शायद अब शायद हम ईमान लाएं भी सही तो मुश्किल है कि हमारी मकबूलीत हो क्योंकि हमारे ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत क्या है मुसलत कर दी गई है और हम उसके मुस्तक थे ये मुसीबत हमारे ऊपर आ गई हमारे अपनी करतूतों की वजह से तो शायद अब कबूलियत ही ना हो तो फरमाया नहीं नहीं अगर अब भी ठीक हो जाएँ इस ज़माने के तो तब भी अल्लाह ताली के दरबार में वो कबूल होंगे तो ये आयत का मफहूम है और माकबल का ततिमा है तो यहाँ एक बात काबिल गौर है वो ये है कि यहाँ आ रहा है कि असल मदार की चीज़ है मन आमन अबिल्ला वलोमिला कि अल्लाह के साथ ईमान लाना और आखरत के दिन व मानना अब यहाँ अम्बिया के साथ ईमान का ज़िक्र ही नहीं है सिरे से तो मालूम होता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखरत पर ईमान रखता हो वो मकबूल है तो ये अल्लाह पर और यौम आखरत पर तो यहूदू ने सारा भी ईमान रखते थे तो इसका मतलब ईमान बिल्ला के साथ ईमान बेरो नहीं है ये एक सतीसा शुबा हो सकता है लेकिन हकीकत इसकी ये है कि अल्लाह तला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह तमाम सफ़ात कमाल और नौत जलाल पर ईमान रखना है ठीक है कि अल्लाह ताली बे है बेमिसाल है ठीक है और उसके तमाम अहकाम की भी तामील की जाएगी तो जब ये बात ज़रूरी है कि अल्लाह ताली के तमाम अहकाम की तामील करेंगे तो फिर अल्लाह का जो हुक्म भी होगा उसको मानना पड़ेगा ये मान तो नहीं है कि खाली बस अल्लाह की ज़ात को मान ले ठीक है बाकी चीज़ों को ना माने नहीं अल्लाह की ज़ात को भी मानना है और किसी कमाल को भी मानना है थी तो अल्लाह ताला के अहकाम को भी मानना है ईमान तो बिल्ला में सब चीज़ें आती हैं तो अब ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो ये भी तो है कि ईमान बिल रसुलमान बिलकुतब ईमान बिलमलाया तो ये सब क्या है अल्लाह ताला का हुक्म में शामिल हैं तो लिहाजा ईमान बिल्ला में ये चीज़ें भी आ जाएँगी और हकीकत भी यही है क्योंकि यहाँ इस आयत में ईमान बिल्ला काजमाल ज़िक्र है तफसी दूसरी जगहों पर हुई है चुनान सूरत हजरात में यूँ आया है

तो ये बात फिर क्या है काफ़ी नहीं है ईमान उनका मोतबर नहीं होगा तो इस आयत ने तफसीर कर दी तो इसी तरीके से दूसरी आयत एक उसमें उससे भी ज़्यादा तफसील है ये आयत जो अल्लाह ताला के इरशाद ये है छठे पारे में पहले सफ़े परी है इन लदीन जगफफर नबिल्ला वरसोले मुरदू ना आई फ़रक़ो व लोले कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह और रसूलों के दरमियान तफरीक डालें और वह यूँ कहते हैं नो मनो बिबा दें वनक बिबाद कि हम बाज़ को तो मानेंगे बाज़ को नहीं मानेंगे और आगे फरमाया वीदून तखीजनदाल का सभीला तो वो दरमिया राह इख्तियार करना चाहते हैं कि कुछ रसूँ को तो मान लें और कुछ को न माने तो बाद फरमाया ऐसी बात नहीं ऐसे लोगों मुल्क फिर नक्का तो वो पक् का फिर हैं ये कुरान की आयत है छठे पारे में है पहले सफ़े पर है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के साथ कुफर करना या उसके रसूलों के साथ ठीक है तो ये क्या है ग़लत है ये से कभी इंसान मोमिन नहीं हो सकता रसूलों को न माने तो मालूम होता है सारा से अल्लाह पर ईमान भी ज़रूरी और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान ज़रूरी ये नहीं है कि बाज़ को तो मान ले तो बाज़ को ना माने जैसे यहूदी मूसीम को तो मानते हैं लेकिन ईसा सलाम को और आप सल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को नहीं मानते हैं तो वो मोमिन नहीं होंगे तो इसलिए तमाम रसूलों को मानना ज़रूरी है तो जब तमाम रसूलों का मानना ज़रूरी है तो फिर रसूल जो हुक्म देंगे जी तो उनका मानना भी ज़रूरी है ज़ैर बात है तमाम रसूलों ने जो हिदायत की हैं उस पर चलना भी ज़रूरी है तो मूसा सलाम यासीम ने आपलीम की भी विशारा सुनाई थी तो में भी आप सरसम की विशारत मौजूद है इंजील में भी मौजूद है तो इसी तरीके से आप सबका मानना भी ज़रूरी हो गया तो अब जो आपलम की शरीयत को मानेगा आपके अहकाम पर चलेगा तो वही मोमिन होगा लेकिन जो के अहकाम का लाए हुए अहकाम का इनकार करे जी तो फिर वो कभी मोमिन नहीं हो सकता बाकी उसके बाद योम आखरत का जिक्र कर दिया हालांकि ईमान बिल्ला में ईमान बिल रसूल जब आ गया तो रसूलों को मानना ज़रूरी है तो रसूलों की सब बातें ज़रूरी हैं तो फिर योम आखिरत भी तो रसूल ने आकर बता दिया लिहाजा योम आखरत के जिक्र करने की ज़रूरत न थी जहाँ सायद में क्यों जिक्र हुआ तो उसका जवाब ये है कि ठीक है यौम आख़रत पर तो ईमान लाना इससे समझा जा रहा है लेकिन ताक़ीदन जिक्र कर दिया चूँकि आखरत का दिन जो है वो एक अहम दिन है जजा सज़ा का दिन है इसलिए उसका खसूसी तौर पर तज़करा किया गया जी उसकी अहमियत को जताने के लिए और दूसरी वजह यह भी है कि यहूद नसारा को जो यौम आखरत के बारे में क्या है गुमान था ख़्याल था कदा था वो असल में सही नहीं था तो इशारा उस तरफ भी था कि योम आखरत के बारे में नज़रिया वो क़ायम किया जाए जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं ना वो ये यह, जो यहूद व नसारा का है क्योंकि यहूद नसारा तो यही कहते थे बस लद खुरजन्नतम का नादन और न सारा यहूदी कहते थे बस जन्नत में हम जाएँगे और कोई नहीं होगा और नसारा कहते थे हम जाएंगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा तो फरमाया यह किसी की ठेकेदारी नहीं है बल्कि असल ये है कि ईमान बिल्ला व बसूल हो जी और उसके मुताबिक ज़िंदगी पूरी हो होमली ज़िंदगी सही हो तो तब जो है वो जाकर सही मोमिन शुमार होगा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए हैं ये आखिरी नबी हैं और इन्हीं की बातों पर अमल करना इस वक्त ज़रूरी है और आप पर भी मान लाना ज़रूरी है तो जो आदमी आप सर सम को नहीं मानता तो वो समझो कि उसने क्या है सारे नबियों को नहीं मारा क्योंकि ये कानून है कि एक नबकी की तकजीब सब अम्बिया की तकजीब है तो जो मोहम्मद सल्लम को नहीं मानता है तो फिर गोया वीसीम को भी नहीं मानता है मूसा सलाम को नहीं मानता है क्योंकि उन्होंने खुद इनकी क्या बशारतें दी हैं तो जब वो आपको नहीं मानेगा तो उनकी बात का भी इनकार कर दिया तो लिहाजा हक़ीकता वो एक नबी की तकजीब सब अम्बिया की तकजीब है तो इस वजह से यह ततिमा जिक्र हुआ है अल्लाह तालमल की तोफ़ी नसीफ़ फरमाए वाखिर दावाना अलहमद लाबीआमी